ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज केतकी श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं आपको बताती हूँ मैं आज की वीडियो में किस टॉपिक पे लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नो मेकअप लुक। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, अगर आप ऑफिस जाते हो और आपको एक नो मेकअप लुक पसंद है कि आप जिसमें बहुत मिनिमल आपके पास मेकअप प्रोडक्ट आप यूज़ करें और एक बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट हो आपका, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो मैं बेसिकली हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसा ही मेकअप लुक मतलब अपने फेस पर अप्लाई करूँ कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखे, बहुत ही सिंपल सा रहे। क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ और मैं कहीं जाती हूँ तो कि सब मुझे ही देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट लूज़ हो जाता है मेरा। जबकि मेकअप जो रहता है वो लड़कियाँ इसलिए करती हैं कि वो कॉन्फिडेंट दिखें, कॉन्फिडेंट रहें। बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं अगर ज़्यादा हैवी मेकअप कर लेती हूँ या डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, मैं बड़ी अजीब लग रही हूँ। तो मैं ऐसा फील करती हूँ, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा मेकअप करूँ जैसे सामने वाले को देख के लगे कि नहीं इसने कोई मेकअप नहीं किया है और मुझे देख के लगे कि हाँ मैंने मेकअप किया, मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो मैंने सोचा ओके लेट्स शेयर विथ यू ऑल नो मेकअप लुक। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, तो बहुत ही सस्ते अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और ऊपर से बहुत सारा मैं आपको बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट की खिचड़ी नहीं बनाऊँगी। जस्ट वेरी सिंपल मैं मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी जिसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करूँ और अच्छा सा मेकअप हो जाए। और पहले और एक चीज़ मैं आपको आपसे क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत ही ऐसा वाओ वाला मेकअप तो नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं ऐसा काम चलाऊ मेकअप कर लेती हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और चलते हैं तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था अपने फेस को वॉश। तो सबसे पहले इन बालों को पीछे कर लेते हैं जिससे ये हमें डिस्टर्ब ना करें। आई थिंक मुझे एक वो मियाऊ वाला हेयर बैंड लेना है, मुझे मेकअप करो और वो पहनूँ तो बड़ा सुंदर दिखता है। ओके, तो मैंने फेस वॉश कर लिया था, अब हम करेंगे स्किन केयर अपना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये रोज़ हिप का टोनर। ऑलवेज आपको स्किन केयर करना है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टोनर। एक तो ये बहुत ही सस्ता है, लाइक 225 या 220 तक आपको ये मिल जाएगा, अंडर 200 भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मेरा टोनर जो है वो बहुत ही अच्छे से अंदर घुस गया है। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये डर्म डॉग का ग्लाइकोलिक एसिड वाला सीरम। मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। आप जाकर क्या बोलते हैं इसको अच्छे से लग रहा है। ओके, मेरी जो स्किन है वो ऑयली है इसलिए मैं मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज अभी वैसे ही गर्मी का मौसम है तो उससे हमारी स्किन और मेरी ऑयली फील होगी मुझे। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपको ऐसा लगता है कि आपको ड्राई ड्राई फील होता है, केकी केकी फील होता है, देन आप मॉइस्चराइजर यूज़ ना करूँगी। एल ए सील का मैट सनस्क्रीन जेल। ओके, तो ये क्या है, एक जेल फॉर्म में है और ऊपर से सनस्क्रीन है। डे में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, मैं ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ तो ये एक जेल फॉर्म में है और इसमें है जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या करती है, एक बहुत ही स्मूथ लेयर हमारी स्किन में बना देगी, तो इसके कारण हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्राइमर की। बट अब चाहें अगर आपको प्राइमर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि डेली जो मेकअप मैं कर रही हूँ उसमें प्राइमर यूज़ ना करूँ क्योंकि वो हमारे पोर्स को क्लॉक करता है और आई थिंक डेली वो अच्छा नहीं है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हैं, ऐसा कर सकते हैं एज अ प्राइमर। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। ओके, अब हम आते हैं अपने मेकअप की तरफ। हमारा स्किन केयर हो गया है, अब हम आते हैं अपने मेकअप की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या आप इस प्रकार का फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल है। ये मैंने जस्ट इन 40 रुपीज़ में बाय किया था और ये कुछ 125 का मैंने अमेज़ोन से बाय किया था। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये तो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, इसकी लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, या अगर मुझे इसका कुछ मिलता जुलता दिखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है ब्लेंडिंग के लिए, ये भी अच्छा रहता है, तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको वाटर में डिप करके स्क्विच कर लेना है जिससे ये अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो। इसका साइज़ भी बढ़ गया और ये बहुत ही स्पंजी हो गया। अब हम आते हैं अपने फेस पर, मतलब एक मेकअप पर। ओके, मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, आप पर्सनली आपको जो पसंद है आप वो ट्राई कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे है कंसीलर एंड यहाँ पे मेरे पास फाउंडेशन, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन आप
हल्का हल्का लगाएंगे उससे भी नो मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा और इससे तो हो ही जाएगा, एकदम मिनिमल लगेगा। ये थोड़ा सा हैवी दिखेगा बट ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने बहुत सारा लगाया, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में से अप्लाई करें। घूमने जाना है उस हिसाब से मैं ओनली मतलब ये नो मेकअप लुक करती हूँ। तो इसमें मेरा थोड़ा सा ये लाइटर शेड है, ये है फिटमी का 20 सेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जहाँ हमारी स्किन में पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन है, हमें उसे वहाँ अप्लाई करना है। लाइक एक आपकी ये, मैं फ़ोन ही में देख के मेकअप कर रही हूँ, लाइक आपका ये हो गया, ये मेरे एक्ने मार्क्स हैं, ये हमारी वन टोन स्किन हमारी दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं अच्छे से हमने से कॉम्पैक्ट। तो आप बेसिकली कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं मेबेलिन का, या मतलब कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, बट मैं अगर आप मतलब समर में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिटमी का लूज़ पाउडर, ये तो ये हम कंसीलर को सेट कर रहे हैं और हमें पसीना आना है। तो पहले तो वहाँ लगा जहाँ पे आपको पसीना था, लाइक मुझे मेरी नोज, चिन एंड आई थिंक मुझे फेस भी। आईब्रो पर, तो आईब्रो के लिए मैं लेती हूँ ये पैलेट, आई सेडो का पैलेट नहीं है तो मैं इसी को ट्राई करती हूँ। आईब्रो पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं आपका मन करें। तो इसमें से मैं लेती हूँ ये डार्क ब्राउन कलर, सो बहुत ही नेचुरल सिंपल लुक आ गया। मस्कारा प्लीज डोंट जज मी, ऐसे करने की आदत है। आपके पास अगर वो पर्लर हो काजल अप्लाई करते हैं तो आप इजीली काजल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ ये काजल अप्लाई बहुत ही हल्का सा। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का आई थिंक कचरा कर दिया। तो अब हम लगाएंगे ब्लश। तो आप कोई भी अगर आपके पास लाइक टिंट है तो बहुत अच्छी बात है, चीक फेसेस के आने तक का पाउडर ब्लश है, बट आई थिंक ये आप तब यूज़ करें जब आप हैवी मेकअप करें, क्योंकि हमारी टेक्सचर स्किन है मतलब लाइक मेरी है, तो ये हम फाउंडेशन नहीं किया, हमने अच्छा हैवी मेकअप नहीं किया तो ये थोड़ा ओवर दिखेगा और थोड़ा सा इसमें यू नो स्पार्कल है, साइन है, सिमर्स है, तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मैट रिवोल्यूशन की स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक कर लेंगे। आई थिंक मैंने नाक में कुछ ज़्यादा ही लगाया, पता नहीं मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है बट इसी क्रीम। अब हम देखिए महीने से इसको ना एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देते हैं। देख सकते हैं एक पिंकी ग्लो जो होता है मेरी स्किन में वो आ गया। आई डोंट नो कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं, बट बहुत ही प्यारा सा एक ग्लो जो होता है हमारे फेस में। अब आप चाहे तो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा लाइक जस्ट इतना सा अपनी टिप ऑफ द नोज में अप्लाई करूँ। लिपस्टिक की तरफ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन, एक है ये एलेट की कॉफ़ी कलर, रेगुलर बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है न्यूड या कॉफ़ी ब्राउन से कलर अच्छे लगते हैं, तो एक मेरे पास है ये ब्राउन कलर एंड एक है मेरे पास बहुत ही प्यारा कलर इनसाइड का। तो दोनों लिपस्टिक बहुत ही बजट फ्रेंडली है, ये इनसाइड की कॉफ़ी कमांड, लाइक दिस इज माई फेव। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये अप्लाई करूँ और नो ये कैसे टूट गई, तो इसको मैं इसे आज अप्लाई कर रही हूँ। लुक
इसकी नो मेकअप लुक वाली दिख रही है। अब मैं थोड़े से अपने हेयर को ओपन कर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।